हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है कैट्स की डिवॉर्मिंग के ऊपर, कि कैट्स के कितने टाइम पर डिवॉर्मिंग होनी चाहिए और क्यों हम कैट्स की डिवॉर्मिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कैट्स की डिवॉर्मिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी कैट है वो बीमार पड़ सकती है और मे बी सीवियर भी हो सकता है। तो जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉक, होप वॉर्म होता है, ये एलिमिनेट हो जाए इसलिए हम डिवॉर्मर का यूज़ करते हैं। कभी भी जो डॉग का डिवॉर्मर होता है वो कैट में यूज़ ना करें। दोनों के डिवॉर्मर में डिफरेंसेस होते हैं, तो हमेशा जो कैट्स के लिए डिवॉर्मर आते हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले जो आपको डिवॉर्मिंग की डोज देनी है वो बर्थ के 2 वीक्स में देनी है और 6 मंथ तक हर 2 वीक्स में आपको देनी है। 6 मंथ के बाद आपको इसको हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करनी होती है। तो जैसे पहले 2 वीक्स में करेंगे आप, 4 वीक्स, 6 वीक, 8 वीक्स, इस तरीके से आपको ऊपर चार्ट दिया है, आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कैट 1 ईयर से ऊपर की है तो आप हर 3 महीने में अपनी कैट की डिवॉर्मिंग ज़रूर करें। तो ये इस फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट्स में, टैबलेट्स में, तो आप इन्हें अपनी कैट्स को ट्रीट के साथ आराम से खिला सकते हैं। और दूसरा, आप सिरप भी दे सकते हैं अपनी कैट्स को। तो मुझे तो सिरप ज़्यादा इजी लगता है वैसे, तो मैं सिरप पिलाती हूँ। आपको जो अच्छा लगे, आप चाहे तो आप टैबलेट दे सकते हैं, चाहे तो आप सिरप पिला सकते हैं। तो मैं ये सिरप यूज़ करती हूँ, आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, इजी होता है वैसे। सिरप मुझे ज़्यादा इजी लगता है, तो तीनों को मैं सिरप से ही पिलाती हूँ। तो इसके साथ एक ड्रॉपर भी आता है 1 ml का, तो चाहे आप ड्रॉपर से पिला सकते हैं, चाहे आप सिरिंज से पिला सकते हैं। बस यहाँ से नीडल को अलग कर दो और इससे बड़ा इजी लगता है मुझे, आराम से हो जाता है। और इसमें मार्किंग तो होती है, जिस हिसाब से इनका वेट होता है उस हिसाब से इनको पिलाना होता है। अगर जैसे आपका 1 kg का है तो 1 ml पिलाना होता है, 2 kg का है तो 2, इस हिसाब से आपको मार्किंग के हिसाब से पिलानी होती है इनको। तो पहले मैं औरों को पिलाऊंगी। तो मैं कभी भी आप ये सिरप पिलाते हैं तो अच्छे से पहले इसे शेक कर लें और फिर इसकी अभी 1 kg से कम है तो इसको पिलाऊंगी मैं 0.5 ml, ज़्यादा नहीं पिलाना, बहुत कम, क्योंकि सिरिंज है तो इसमें मैं मेज़र कर लूँगी। ये रहा, ठीक है। तो जैसे ये 1 ml आ गया ना, इससे बहुत कम पिलाना है इसको, 0.5 बस, बहुत कम, ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं पिलाना, जितना अमाउंट है उतना ही पिलाना है इनके वेट के हिसाब से। आ जाइए बेटा, आ जाओ। तो अब है औरा की टर्न, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने पहले नहीं है बच्चे, अन्या खोलो मुँह, तो ऐसे दांतों के बीच में ऐसे तो अब मैं अच्छे से इसे क्लीन कर लूँगी, जितना थोड़ा साइड से निकल गया था बाहर। तो जब भी ना आप इनको कुछ भी फीड कराते ना, छोटी किटीज़ होती, तो इनके चिन में ना हमेशा मॉइस्चर बना रहता है और इन्हें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चिन एरिया इनका क्लीन रखने की कोशिश करें। तो मैं हमेशा साफ़ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इसे पहले हो गया था फंगल इन्फेक्शन और चांसेस रहते ही हैं। अब देखो कैसे चाट रही है। तो अब है बॉब की टर्न, तो अब मैं बॉब को पिलाऊंगी। तो इसका जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा थोड़ा इसके बॉडी वेट के हिसाब से। तो अब मैं लूँगी इसके लिए, ये कम से कम है आपका 5 kg का, तो अप्रॉक्स 5 ml लूँगी मैं। इसको पता चल चुका है कि ये कुछ करने वाली है, ये बड़े तेज है मेरी कैट्स दोनों की दोनों, तो इन्हें पता चल जाता है। और इसने अपना मुंह छिपा लिया, देखो। तो मैंने एक ही शॉट में इसे पिलाती हूँ सारा। अभी रुको, इसे बैठाती हूँ पहले आराम से। तो ऐसे इन्हें अच्छे से होल्ड कर लें और थोड़ा सा ना इनका ना टिल्ट कर लें हेड, ताकि ये बाहर ना निकालें। तो अगर साथ में कोई है तो किसी की हेल्प ले लें। अब मेरे देखो, अकेले तो एकदम से पिलाना पड़ता है मुझे। तो ये जैसे पी तो लिया इसने, अभी थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अच्छे से मसाज कर दिया इसे और बस हो गया। और मैं अब इसे समझा रही थी कि कीड़े होते हैं पेट में, तो चुपचाप इससे थोड़ा सा प्यार व्यार कर रही थी ताकि ये भागे ना। और वो समझ गया रस्टी भी कि हाँ मेरे साथ कुछ होने वाला है। ये देखो कैसे वो अपना लुक दे रहा है, एकदम गुस्सा हो जाता है। ये इंसान की तरह ना एक्सप्रेशंस हैं इसके,
जैसे बॉब के तो फिर भी नहीं है इतने, पर इसके मुझे ज्यादा लगते हैं। देखो कैसे देख रहा है ये कि नहीं नहीं मत करो मेरे साथ ऐसा। तो मैं इसे पैर से अभी बहला फुसला रही हूँ अच्छे से, इसको थोड़ा सा रब अप कर रही हूँ। तो ये ऐसे देख रहा है मुझे नर्म निगाहों से, देखो हाथ देखो उसका, तो पकड़ लिया है उसने मुझे। तो शायद मे बी वो कहना चाह रहा है कि नहीं नहीं मत करो। तो इसका अप्रॉक्स बॉडी वेट 4 kg के आसपास है, तो मैं उसको 4 ml दूंगी अब। तो अब इसको तो मुझे बहुत ध्यान से पिलाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर निकाल देता है मुंह से। बॉब तो फिर भी इतना नहीं करता, इसको थोड़ा पिलाना टफ है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी वैसे टैबलेट देने की, देखती हूँ खाते ही नहीं खाते। वैसे सिरप मुझे छोटे बच्चों के लिए सिरप तो मुझे काफ़ी इजी लगता है, तो मैं सिरप ही देती हूँ, आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से अब मसाज किया और अब मैं इसको देने वाली हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये इतनी आसानी से तो मुझे पिलाने नहीं देता ना। तो अब देखो इसके दांत, देखो आप दांत कैसे निकले हुए हैं इसके बाहर। तो ये हाथ ऐसे इसने पकड़ा हुआ है मुझे, और अब मैं एकदम से डाल लूँगी सारा अंदर। बस हो गया, देखो तो इसने कैसे पिया, देखो इसकी शक्ल देखो, खुश नहीं है ये। तो इसका कुछ भी बाहर नहीं निकला, इसने पूरा पी दिया अपना। चलो सही है। तो औरा सो चुकी है, पहले भी सो ही रही थी, तो इसकी डीवॉर्मिंग के बाद ही मस्त सो रही है। और बॉब को देखना ही नीचे ही सोना पसंद कर रहे हैं आजकल, तो बॉब भी मस्त सो रहा है। और ये थोड़ा सा परेशान है कि मुझे क्या खिला दिया ज़बरदस्ती। देखो इसकी शक्ल देखो, कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसके साथ ज़बरदस्ती की जाए किसी भी चीज़ में। कोई नहीं रस्टी, नेक्स्ट टाइम नहीं है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।